We've got some more breaking news coming in at this point, and let's go quickly across to that. The Election Commission has issued a notice to Congress netas. This is a notice over the Congress's guarantee card. Now, remember, this was a guarantee card which were distributed door-to-door by Congress leaders, and the Congress has claimed that criminal charges are being slapped against them. That's the news coming in at this point. An Election Commission notice has been issued to the Congress party over the distribution of Congress's guarantee cards, which were distributed through their door-to-door campaign. The Congress has cried foul, saying that it is being targeted and that leaders are being targeted through the ED with having criminal charges being slapped on them. Let's go across to my colleague Gaurav, who's joining us for more details. Gaurav, kya details de sakte hain hame ye naye jo development ke upar EC ka jo notice aaya Congress ko? बिल्कुल, देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया कि चंडीगढ़ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनीष तिवारी और इसके अलावा कई अन्य कांग्रेस के कैंडिडेट्स द्वारा एक गारंटी कार्ड पर जो है वो साइन कराया जा रहा है और उन्हें ये वादा किया जा रहा है कि वो सत्ता में आएंगे तो उन्हें इस न्याय स्कीम का जो है वो फायदा मिलेगा। और चुनाव आयोग ने इन शिकायतों का संज्ञान लिया और इसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम थी चुनाव आयोग की, उन्होंने कई जगहों पर इस तरह के गारंटी कार्ड जो है वो जब्त भी किए और उसके बाद नोटिस भेजा गया। और चुनाव आयोग का मानना है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके तहत और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 171 के तहत, जिसमें वोट के बदले घूस लेने को अपराध माना गया है, उसके तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों कैंडिडेट्स को इस बात के लिए सख्त निर्देश दिया है कि वो भविष्य में इस तरह का वादा करने से बचे और ना ही किसी तरह के किसी गारंटी स्कीम में साइन कराएं। और जिस तरह का कार्ड जो सामने आया वो कांग्रेस का गारंटी कार्ड था, जिसको लेकर कई बार जो है वो शिकायतें पहुंची और उन शिकायतों पर ही मद्देनजर जो है ये चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। ये जो शिकायत दी गई थी वो रुचि शेखरी हैं, जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं बीजेपी चंडीगढ़ की, उन्होंने इस मामले में शिकायत दी थी और जो राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की है। और फिलहाल इस मामले में नोटिस देकर जवाब भी मांगा गया है कांग्रेस कैंडिडेट से कि वो बताएं कि आखिर क्यों ना उनके खिलाफ इस मामले में और भी कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। मैं आपको बता दूं कि जो गारंटी कार्ड था उसमें महिलाओं के लिए जो है वो सालाना पैसे देने की बात हो, यानी कि घोषणा पत्र के जो तमाम दावे हैं उनको पूरा करने के लिए एक पार्टी की तरफ से गारंटी कार्ड जैसे एक प्रोफार्मा बनाकर उसमें साइन कराया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप अगर हमें वोट देते हैं तो हम आपको इन स्कीम्स का फायदा देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावों के दौरान इस तरह के वादे करना सही नहीं है, फ्यूचर में भविष्य में आप क्या किसी योजनाओं को देंगे ये इसके आधार पर आप लिखित तौर पर वादा करके वोट नहीं मांग सकते हैं, सिर्फ चुनाव के घोषणा पत्र का ही प्रचार आप कर सकते हैं। और यही वजह है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और साथ ही साथ इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत इस मामले में चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई करने जा रहा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।